जय हिंद एवरीवन, दिस इज उमेश कुनियाल, चीफ कैरियर काउंसलर एट संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। आपका दून डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी रिलेटेड टू एडमिशंस फॉर 2023 एंड 24, जो डिफेंस और मशीनरी की जो एडमिशंस हैं आप देख सकते हैं। दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट खुली हुई है। वी हैव बीन गेटिंग नंबर ऑफ कॉल्स फॉर द एडमिशंस फॉर द NDA, CDS, APCAT, OTA, इसके अलावा SSB की जो क्लासेस चलती हैं ट्वाइस इन ए मंथ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली अभी तक जिन बच्चों ने दून डिफेंस एकेडमी का जो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये अच्छा रहेगा कि उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो अदर स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं दून डिफेंस एकेडमी में आकर अपना डिफेंस या मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट वीडियो। जो फ्यूचर वीडियोस यहां पर अपडेट होती रहेंगी रिलेटेड टू एडमिशंस वो आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो दून डिफेंस एकेडमी का है, यहां पर आप देख सकते हैं दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट खुली हुई है www.doondefenseacademy.com। आप लॉग इन करें, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पेज। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशंस जो 2023-24 में एडमिशंस होने वाले हैं उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यू कैन कैलकुलेट योर एज हेयर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड हेयर, एंड यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फ्रॉम हेयर ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप मिसगाइड ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे मिली जुली कई अकेडमीज के नाम इस तरह से जो है काफ़ी अकेडमी चल रही हैं। दून डिफेंस एकेडमी में आकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान में रखेंगे, हमारे काउंसलर से जब आपकी बात होती है तो आप अच्छे से उनसे पूछ लें, उनसे लोकेशन ले लें और वेबसाइट को लॉगिन करें, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देख लें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप रेलवे स्टेशंस या ISBT बस स्टैंड पे उतरते हैं तो आप जब कोई ऑटो करते हैं उसको ऑटो वाले को लोकेशन दिखा दें, काउंसलर से बात कर लें। दून डिफेंस एकेडमी सहस्त्रधारा रोड पर जो है IT पार्क के पास है। जब आप सहस्त्रधारा रोड की तरफ आएंगे क्रॉसिंग से, आपकी बाईं तरफ टचवुड स्कूल आएगा, उसके बाद थोड़ी चढ़ाई है, जैसे ही चढ़ाई खत्म होती है आपके लेफ्ट में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट होगा और उसके राइट में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा टावर है, दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी टावर। उसके ठीक नीचे डोमिनोज है और डोमिनोज के पास में ही राइट साइड में गली है 50 मीटर्स पे, यू विल फाइंड द DD हेड ऑफिस संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी का बोर्ड भी वहां पर लगा हुआ है। जैसे आप अंदर जाते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड यू विल फाइंड द कंप्लीट हॉस्टल का जो एक तिरंगे कलर्स जो स्टार्टिंग में तिरंगा कलर है, एक हॉस्टल्स का एक व्यू है आपको नजर आएगा। उसके नेक्स्ट एक बिल्डिंग है प्रथम पक फाउंडेशन कोर्स एंड दून सिविल एकेडमी की बिल्डिंग है, वहां पर आप देखेंगे लेफ्ट पे यू विल फाइंड अ कंप्लीट ऑब्स्टेकल ग्राउंड और तिरंगे कलर की बिल्डिंग है, और जो आपने यहां पर वेबसाइट पे देखा है दून डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग है वहां, दिस इज द दून डिफेंस एकेडमी। तो इसकी जो कन्फर्मेशन है आप पहले ही कर लें। अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप उससे पहले काउंसलर से कॉल कर लें, जो कि हमारे काउंसलर्स हैं, इसके नीचे नंबर दिए हैं, उस नंबर पर कॉल कर लें और मिसगाइड ना हो। और जैसे कि अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम 10+2 के एग्ज़ाम, अभी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं और उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी स्टेट्स में। उन बच्चों को जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, आप अच्छा करें। अगर आप दून डिफेंस एकेडमी में अपना करियर डिफेंस और मर्चेंट नेवी बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं सीट्स काफ़ी लिमिटेड होंगी एंड दून डिफेंस एकेडमी एज यू नो दैट हैज़ बीन डूइंग वेल लास्ट 18 ईयर्स, अभी 18वें साल में चल रहा है, गिवन मोर देन 12,000 सेलेक्शंस इन डिफेंस एंड मर्चेंट नेवी, अकेले ही 5,000 सेलेक्शन मर्चेंट नेवी में हैं। आज देख सकते हैं सभी सेक्टर्स में, डिफेंस में, आर्म फोर्सेस में बच्चे काम कर रहे हैं, प्राउडली दे आर सर्विंग। अभी जो बच्चे 10+2 में हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ है कैरियर बनाने के लिए वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में बताया गया है और बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, आपके सोशल मीडियाज़ हैं,
उन्हें बताया गया है कि 28 फरवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको ये जो 2022 और 23 में की जो फीस है वही पड़ेगी, उसी फीस में आप 2023-24 में जो कि आप 4 महीने का कोर्स लेना है, आपको 6 मंथ का लेना है या 1 ईयर का लेना है, तो उसी फीस में आप आगे पढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो डून डिफेंस अकेडमी वेबसाइट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्विक इंक्वायरी लिखा हुआ है, इसमें आप अपनी इंक्वायरी करें, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाता है, इमीडिएटली आप रजिस्ट्रेशन कर लें और उसको सबमिट कर दें। यहाँ से जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको यहाँ से कॉल की जाएगी, आपको लोकेशन भेजा जाएगा, क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट पेरेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही रिमाइंडर कॉल है, उसका ध्यान दें, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें एंड यू विल गेट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वंडरफुल कैरियर इन डिफेंस एंड मर्चेंट नेवी। हियर यू कैन सी हियर एनडीए रेगुलर कोर्स फॉर सितंबर 2023 एग्जाम, यानी कि जो एनडीए 2 और सीडीएस 2 का एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसके लिए रेगुलर कोर्सेज के लिए एडमिशंस ओपन हैं। बैचेस डेट्स आर रिटन हियर इन द वेबसाइट, यू कैन सी क्लियरली 24 अप्रैल, 1 मई, 8 मई, दीज आर द डेट्स। बस उसको आपको रजिस्ट्रेशन करना है तभी आपको सीट मिल पाएगी, क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड होंगी। इसके अलावा नीचे जो वेबसाइट में आप देखेंगे, यू सी हियर ऑल द इंफॉर्मेशंस। हाँ, अग्निवीर इज अ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बच्चे अग्निवीर के लिए एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ पर दून डिफेंस अकेडमी में काफ़ी बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जाम जो 16 अप्रैल को है, सीडीएस का एग्जाम है और एपकेट का एग्जाम इन द मंथ ऑफ फरवरी 25-26 को एग्जाम है। क्रैश कोर्सेज भी दून डिफेंस अकेडमी में चल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप जानते हैं कि अभी अग्निवीर के लिए जो है जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कंपल्सरी कर दिया गया है, उसके लिए भी दून डिफेंस अकेडमी आपको प्रिपेयर करती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अग्निवीर थ्रू इंडियन आर्मी या फोर्स नेवी के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके भी जो बैचेज हैं स्टार्ट होने वाले हैं, सो दैट यू कैन क्लियर दिस अग्निवीर एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन सर्व इन डिफेंस फोर्सेज एज अग्निवीर। काफ़ी अच्छी स्कीम्स है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, दून डिफेंस अकेडमी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कैन बिकम अ क्वालिटी सिटीजन्स आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन दून डिफेंस अकेडमी। आप जैसे ही अपने यहाँ पर एडमिशन लेते हैं डिफेंस के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे अग्निवीर हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, मर्चेंट नेवी हो, फर्स्ट मोटो टू मेक यू द क्वालिटी सिटीजन्स। दून डिफेंस अकेडमी में आप देखेंगे यहाँ पर जो भी कोर्सेज होते हैं 1 साल के, 6 महीने के, 4 महीने के, दून डिफेंस अकेडमी प्रोवाइड यू द कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पीडी क्लासेस, एसएसबी क्लासेस, फिजिकल एक्टिविटीज, उसके अलावा करंट अफेयर्स की जो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, एंड यू विल फाइंड द बेस्ट फैकल्टी इन दून डिफेंस अकेडमी फॉर ऑल द कोर्सेस। डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मरीन एक्सपर्ट्स हैं जिनके द्वारा ये क्लासेस ली जाती हैं, एंड टोटल मैनेजमेंट्स जो लुक आफ्टर कर रही है, जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेज में ऑफिसर्स हैं, GSOs हैं, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशन, काउंसलिंग उनके द्वारा होती है। तो आप मिसगाइड ना हो, बस सिर्फ आप इतना करें कि जो इसके नीचे नंबर दिए गए हैं दून डिफेंस अकेडमी के, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कैरियर बनाने की सोचा है डिफेंस फोर्सेज में। और कई बच्चों की हमारी कॉल आती हैं, पेरेंट्स की कॉल आती हैं दून डिफेंस अकेडमी में आना चाहते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, तो आप मिसगाइड ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन को देख लें और हमारे काउंसलर, स्पेशली यू कैन कॉल मी ऑल्सो, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है, हमारे काउंसलर्स का नंबर है, उससे पूरी जानकारी ले लें और आप उसी हिसाब से चलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जस्ट क्रैश कोर्स के बारे में बात कर रहा था, क्रैश कोर्स यहाँ पर एनडीए और सीडीएस के लिए 1st week of March में स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर द 16 अप्रैल एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उस क्रैश कोर्स में आपको पूरी टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा, आपके मॉक टेस्ट होंगे, आपको पूरा ब्रशअप किया जाएगा एंड यू विल गेट बेनिफिटेड। सेकेंड थिंग, जो उसकी फीस होगी, आई थिंक फीस इज 15,000 रुपीज़, वो फीस आपकी जो है आगे आने वाले जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे सीडीएस 2 में या एनडीए 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं,
जो कि 24 अप्रैल से आपको जैसे पता है कि रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें जो आपकी फीस है क्रैश कोर्स की वो माइनस हो जाएगी एंड यू विल गेट द कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर SSB ऑल्सो फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज, एवरीथिंग वहां पर आपको मिल जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दोज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन द क्रैश कोर्सेस। आप एपकेट के लिए चाह रहे हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं NDA CDS के लिए तो आप जल्दी जल्दी कॉल करें और अपनी सीट को बुक करें सो दैट वी कैन कंडक्ट दिस कोर्स प्रॉपरली। बींग ए कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ मर्चेंट नेवी, आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द मर्चेंट नेवी टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा कैरियर है आफ्टर 10+2, मैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि वी हैव बीन गेटिंग द कॉल्स फॉर द इंक्वायरी फॉर द पर्टिकुलर कोर्स कि कैसे वो कैरियर बनाएं आफ्टर डूइंग द DNS BTech मरीन BSc नॉटिकल साइंस करने के बाद, कैसे कैरियर बनता है, उसके लिए क्या 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 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम वो आपको क्लियर करना है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे मर्चेंट नेवी ये एक अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे इस वक्त 10+2 का एग्ज़ाम PCM विद इंग्लिश दैट इज नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे वो CBSE बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, आपको करना क्या है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इज अ ब्राइट कैरियर। जो भी एग्ज़ाम अभी जो है IMUCT का एग्ज़ाम होने वाला है, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम है, ये आपका एग्ज़ाम होगा इन द मंथ ऑफ जून और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो लगभग मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें, इसमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर लें सो दैट यू कैन इनरोल योर सेल्फ हेयर। और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस का जो IMUCT एग्ज़ाम होगा जून में उसकी प्रिपरेशन कराएंगे, उसके बाद आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम जो भी अप्रैल मई में कंडक्ट होंगे उसकी पूरी गाइडेंस दी जाएगी बाय द मरीन एक्सपर्ट्स और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा सो दैट यू कैन गेट द कंपनी स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आप DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स अगर आप करना चाहेंगे जैसे अगस्त में तो आपके पास कंपनी स्पॉन्सरशिप होनी ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट्स अगर BSc नॉटिकल साइंस या BTech मरीन करना चाहता है तो उसको IMUCT इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको पास करना है एंड यू बेसिकली आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, आपको कॉलेज एग्जाम देना है, वहाँ पर आपको एडमिशन तभी मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन एट मर्चेंट नेवी तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो नए बच्चे हैं अभी जो भी 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बच्चे जिनका प्लान था मर्चेंट नेवी में जाने का, किसी रीजन से वो उनको पता नहीं था कि IMUCT का एग्ज़ाम देना है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, कैंडिडेट शुड बी 10+2 विद ए PCM, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 60% की है PCM एग्रीगेट और इंग्लिश में 50%। एज आपका जो है 17 years इज द मिनिमम एज और मैक्सिमम एज हम लेते हैं 20 years, बिकॉज 20 years से नीचे ही कंपनी स्पॉन्सरशिप मिलना आसान है। और ये कोशिश करिए जो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी परसेंटेज आती है मोर देन 70% PCM में भी इंग्लिश में भी एंड इट विल बी बेटर फॉर यू टू गेट द कंपनी स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आपको जो DNS कोर्स है चाहे BSc नॉटिकल साइंस कोर्स है BTech मरीन कोर्स है उसमें दिक्कत नहीं होगी। एंड दून डिफेंस अकेडमी हैज़ बीन प्रोवाइडिंग द कंप्लीट गाइडेंस अकेडमिक क्लासेस की, जिसमें आपके जो क्लासेस हैं जो आपको पता है कि IMUCT में एग्ज़ाम में जो सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग क्लासेस रीजनिंग है, वो सारा पेपर आता है 200 marks का, यहाँ पर आपको पूरे फंडामेंटल क्लियर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा जब DNS कोर्स करता है या BSc नॉटिकल साइंस या BTech मरीन, वहाँ पर उसको अपने प्रोफेशनल कोर्सेस में जो PC ट्रेनिंग जो बच्चा करता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसको जो है जो जितने भी जो फंडामेंटल्स हैं चाहे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके वो क्लियर हो जाते हैं सो दैट ही कैन बेसिकली फाइंड ईजी टू डू द कोर्स एंड ऑल। यहाँ पर देख लीजिए, इज एवरीथिंग इज रिटन हियर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ओके जेंटलमेंस, आई ब्रीफ यू ऑल अबाउट द मर्चेंट नेवी हियर, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन दून डिफेंस अकेडमी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स फॉर द कैरियर इन मर्चेंट नेवी चाहे डिफेंस के कोर्सेज हैं तो आप कॉल जरूर कर लें। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू, द मर्चेंट नेवी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 10+2 अगर बच्चे का अंदर का थोड़ा कॉन्फिडेंस है,
अगर उसका एकेडमिक अच्छा है और उसको जो है यू विल बी गेटिंग गुड वेजेस एंड ऑल एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग अराउंड द वर्ल्ड. जरूरी है कि उसको सही गाइडेंस मिले, वो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करे, कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्लियर करे. यहाँ पर डून डिफेंस अकेडमी उसको अच्छे से गाइड करती है. लास्ट 17 ईयर्स डून डिफेंस अकेडमी के जितने बच्चे NDA है, CDS है, FCAT, जितने भी डिफेंस कोर्सेज हैं, मर्चेंट नेवी कोर्सेज हैं, बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है. दे हैव बीन प्राउडली सर्विंग इन डिफेंस एंड मर्चेंट नेवी. ओके जेंटलमैन, बेसिकली यहाँ अगेन विल कम बैक टू द वेबसाइट पार्ट हियर. यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ है, बस आपसे मेरा एक सजेशन है कि आप मिसगाइड ना हों, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें. दून डिफेंस एकेडमी से पहले आने से पहले लोकेशन देख लें, वेबसाइट को लॉगिन करें, इसके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब कर लें. और जो बच्चे इस वक्त 10+2 का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई. आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें. And you are always feel free to contact Doon Defence Academy for any type of inquiry. All the best. Jai Hind and Vande Mataram. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.